मैं मोहनलाल कौशिक राय विधानसभा से विधायक हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूं। ये हरियाणा प्रदेश में सोनीपत जिले का राय विधानसभा क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तीन प्रांतों की संगम की ये विधानसभा है और पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा है। इसमें 72 गांव आते हैं और एक नगर पालिका पहली बार कुंडली के नाम से अभी जस्ट बनी है मेरे विधायक बनने के बाद। बाकी पूरा रूरल एरिया है और इसमें एजुकेशन सिटी भी है, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत बड़ा है और नए नए जो किसान नई तकनीक से खेती करते हैं ऐसे किसानों का भी एक बड़ा एरिया है। बहुत जागरूक विधानसभा है और दिल्ली के नज़दीक है, NCR का एरिया है, तो बहुत ही अच्छी विधानसभा है। नई डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चले हुए हैं और मेरी विधानसभा में नेशनल हाईवे 44 KGP KMP 334B और ग्रीन एक्सप्रेसवे, इस प्रकार से 5 नेशनल हाईवे राय विधानसभा से गुजरते हैं। ये NLC जो राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ मुंबई के अंदर है और ये पहली बार हुआ है और पहले ही अधिवेशन में हमारा आना हुआ है, ये बड़ी खुशी का विषय भी है और इतने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी संख्या में एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ इस कार्यक्रम की रचना की गई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छे से इसकी व्यवस्था की गई है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार के हमारे प्रशिक्षण बहुत हुए हैं, संघ की शाखाओं में भी हमारा बहुत सारा प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन ये अलग तरह का प्रशिक्षण का काम है, इसमें बहुत कुछ नया सीखने को हमें मिला है। हमारे यहाँ जो विधानसभा है उसमें जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो आज के युग में तेज गति से विकास पूरे देश का हुआ है और राय विधानसभा दिल्ली के साथ लगती है तो जो नई जनरेशन है उनकी नई नई सोच, उनकी सोच के अनुसार विकास के काम हो और जब उनकी सोच के अनुसार काम होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे गांव शहर से बढ़िया फैसिलिटी के हों और आज राय विधानसभा के जो हमारे गांव हैं वो शहर से अच्छी गलियां हैं, शहर से अच्छा पीने के पानी की व्यवस्था है और जैसे शहर में बिजली 24 घंटे मिलती है लेकिन हमारे प्रत्येक गांव में जगमग योजना के तहत हमारे गांव में बिजली 17 से 19 घंटे रहती है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें फैक्ट्रियों में 20 से 22 घंटे बिजली रहती है, तो बिजली की कोई बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं है और सोलर प्लेट लगाकर जो बिजली का प्रचलन अब बढ़ा है हमारे राय विधानसभा में, अब तो किसान भी सोलर ऊर्जा से पंप चलाते हैं और बहुत सारा काम हमारा सोलर ऊर्जा पर भी गया है। हाँ, मैंने पहला इलेक्शन 2000 में जिला परिषद का लड़ा था और उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का मौका पार्टी की तरफ से 2019 में मिला है। मैंने दो चुनाव लड़े हैं, मैंने दोनों जीते हैं, दोनों चुनाव कमल के फूल पर लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और बहुत लंबे समय से 1987 से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करना शुरू हुआ और लगातार संगठन में अनेक पदों पर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहा हूँ और आज प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेवारी है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा संगठन है, इसमें अनेक लोगों से प्रेरणा मिलती है, हमारे अनेक ऐसे संघ के प्रचारक हैं जिनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है और वो निरंतर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है और भारतीय जनता पार्टी में जब हमने राजनीति शुरू की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व उस समय में था, आडवाणी जी अटल जी की जोड़ी हमारी काम करती थी, उसके बाद समय ने करवट ली और अब अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव से पार्टी आगे बढ़ी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से, उनकी कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी एनर्जी उनसे मिलती है। और जो व्यक्ति देश के लिए 17 घंटे काम करता है, तो आज हम भी ये चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार से नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ और भारत आत्मनिर्भर बने, विकसित राष्ट्र बने, उस सोच के साथ जो इस 25 वर्ष का जो समय हमें मिला है, ये अमृतकाल का जो समय चला है, इसमें जब आज़ादी का 100वां उत्सव हम मनाएं, उस समय हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में जिसकी पहचान बने और हम उसमें भागीदार बने, उसमें हमारा भी सहयोग हो, इस प्रेरणा के साथ हम इस काम में लगे हुए हैं। ये भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाने का और सीखने का मौका दिया है। हमारे प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय बड़ा शोध करके हमारे जीवन शैली को एक ऐसा बनाया कि हम स्वस्थ भी रहें और मजबूत भी रहें और देशभक्त भी रहें। और शुरू से ही राष्ट्रभक्ति का जो हमें पाठ पढ़ाया जाता है, वो राष्ट्रभक्ति जो हमारे खून में कूट कर भरी हुई है, वो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पूरी दुनिया के जो देश हैं, इतने बड़े लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, दुनिया का आज जनसंख्या की दृष्टि से आज हमारा पहला नंबर है। और उस भाव के साथ ये जो पॉपुलेशन है देश की, यही हमारी ताकत है और इस ताकत को प्रयोग में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देश को नया रास्ता दिखाएंगे। ये हम कभी उस भाव में रहते ही नहीं, हम जनता के बीच में रहते हैं, सेवक के रूप में रहते हैं और एक जैसे अपने परिवार के अंदर रहते हैं, इसी प्रकार से समाज में भी अपना परिवार मानकर हम रहते हैं और काम करते हैं। बैलेंस बनाने में बहुत कुछ नहीं होता, हम जब अपने आप को ज़मीन पर समझेंगे तो बैलेंस बना रहेगा और जब ज़मीन से ऊपर सोचना शुरू करेंगे तो बैलेंस बिगड़ता है। तो इसलिए हम अपना बैलेंस ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर रह के काम करते हैं। आज जिस प्रकार से विधायक के रूप में जो जनता ने आशीर्वाद दिया है और बहुत वर्षों से एक इच्छा थी कि हम भी सरकार में भागीदार बनके और जनता की सेवा करें, अच्छे से उस काम को कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे चलकर भी जो भी समय मिले, हम जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बातें रहती हैं और आज तक जो भी आदमी कोई बात कहता है वो अपने अनुभव के आधार पर कहता है और प्रत्येक बात से, प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं कि छोटी बात से भी बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। और समय का सदुपयोग करें और समय के साथ चलें तो यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि सबके साथ मिलकर चलें और दूसरे की बात को सुनने, दूसरे की बात को सुनेंगे तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है। मैं अपने देश के युवाओं से अपील करूंगा कि आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो एक देश के अच्छे नागरिक कैसे बने और एक अपने समाज के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े। इस प्रकार के जो चैलेंज हमारे युवा के साथ है और नई तकनीक के साथ, जब तक नई तकनीक के साथ युवा नहीं जुड़ेगा तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। तो नए विचारों के साथ, जिस प्रकार की आज दुनिया में ज़रूरत है जिस काम की, उस काम की तरफ अगर हमारा देश का युवा बढ़ेगा तो ये जो आज बेरोजगारी की समस्या है और
इससे हम ले सकते हैं। और जो मोदी जी ने जब कोरोना काल में एक वाक्या कहा था कि भाई किसी भी मुसीबत से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, कोरोना से भी देश के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो जब भी कोई आपदा आए तो उससे कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ें, यही युवाओं से निवेदन करूँ।